हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने एक ऑटोमेटिक चेंजओवर रखा हुआ है। तो ऑटोमेटिक चेंजओवर के बारे में पहले आपको कुछ बताना चाहूँगा। ये एक बहुत अच्छी डिवाइस रहती है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि घरों पर या दुकान वगैरह में हम लोग खटके वाले चेंजओवर लगाते हैं जो कि अक्सर जल जाते हैं, वो मैनुअल होते हैं। और वो चेंजओवर का काम ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास दो फेस हैं या फिर जनरेटर और मेन लाइन हम यूज़ कर रहे हैं, तो लाइट जाने पर हम जनरेटर की तरफ से सिलेक्ट करते हैं या फिर लाइट आने पर फिर जनरेटर से हम मेन लाइन सिलेक्ट करते हैं, या फिर ऐसा होता है कि अगर एक फेस चला जाता है तो हम दूसरा फेस सिलेक्ट करते हैं, उसके लिए हमें चेंज ओवर पलटना पड़ता है। तो अलग अलग ऑप्शन में चेंज करना पड़ते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक तो हमें उस पर खुद देखना पड़ता है, जैसे कि लाइट आने जाने पर चेंज करना पड़ता है, और फिर वो अक्सर जल के खराब भी हो जाता है, बहुत जल्दी जल जाता है। तो उसका सॉल्यूशन ये ऑटोमेटिक चेंज ओवर है जो कि हमने बनाया हुआ है। तो आपको बताते हैं हमने इसे कैसे रेडी किया है, इसमें कौन से पार्ट्स यूज किए हैं और इसका बेनिफिट क्या है। अब देखिए, इस पर ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। आईएनजी यानी इनिगेशन कॉइल, जो जनरेटर की होती है, जनरेटर ऑटोमेटिक जनरेटर होते हैं, उसे ऑफ करने के लिए यहाँ से कनेक्शन निकलता है। और ये जीएन यानी जनरेटर मेन, और ये लोड यानी कि ये आउटपुट है, बाकी ये मेन लाइन हो गई, ये जनरेटर कनेक्शन, ये इनिगेशन कॉइल के कनेक्शन हो गए। लेकिन इस बॉक्स में हमने इसके हिसाब से कुछ भी नहीं किया है, ये हमने अपने हिसाब से रेडी किया है। तो अलग सिस्टम इसमें कुछ दे रखा है, वो आपको बताते हैं। ये देखिए, हमने इसमें दो कनेक्टर यूज किए हैं, एक ST4 और एक ST2। जो ये ST2 है हमारा, इससे हमने आउटपुट लोड निकाला है, यानी जो हमारा आउटपुट लोड चलेगा वो यहां से चलेगा, और जो इनपुट लोड जाएगा इसमें दो फेस या फिर जनरेटर प्लस फेस, वो इधर से आ जाएगा। देखिए ये लिखा है NL NL, यानी न्यूट्रल लाइन न्यूट्रल लाइन। तो इसमें हमारे दो फेस का, यानी हमारी दो अलग लाइन्स इसमें आ जाएंगी, भले एक लाइन हमारी जनरेटर की हो या फिर दोनों लाइन हमारी मेन लाइन की हो। तो ये सिलेक्ट करने के लिए ऑटोमेटिक सिलेक्ट करता रहेगा। और इसमें एक स्विच भी दे रखा है, स्विच का एक अलग तरीके से इसमें लगा रखा है, क्योंकि स्विच के थ्रू हम अगर इसे यूज करेंगे तो ये हमारा मैनुअल चेंजओवर की तरह भी वर्क करेगा। कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हमें कोई खास फेस चलाना होता है, मतलब दोनों फेस में से हम चाहते हैं कि हम एक ही फेस चलाते रहे, तो हम इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। वो भी कैसे इसका ऑप्शन है वो भी आपको बताएंगे। तो पहले आपको इसे चलाकर बताते हैं। अब सबसे पहले एक वोल्ट मीटर इसकी आउटपुट पर हम कनेक्ट करेंगे। ये देखिए, इसका आउटपुट बताया था, इस पर ये वोल्ट मीटर हम कनेक्ट कर देंगे और फिर अलग अलग फेस देकर इसे चलाकर दिखाएंगे। देखिए, इसके आउटपुट पर हमने एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया है, ये हमें इसकी आउटपुट बताएगा। और जो अलग अलग इसमें न्यूट्रल फेस यानी दो लाइन दे रखी है, तो दोनों लाइंस में अलग अलग हम करंट देकर चेक करते हैं। तो इसके लिए पहले हम इसे, ये देखिए, ये मेन का इंडिकेटर से दिखा दिया, यानी मेन लाइन यहां से आ रही है, और दूसरा ऑप्शन हमारे जनरेटर का है, ये देखिए। ये दोनों लाइन हमारी वर्क कर रही हैं। और ये स्विच का ऑप्शन भी आपको बता देते हैं। ये देखिए, हमने इसे जनरेटर पर सिलेक्ट कर रखा है, यानी कि हमारा जनरेटर पर प्रायोरिटी देगा स्विच। देखिए, अगर इसमें हम ऑफ कर दिया तो जनरेटर लाइन हमारी ऑफ नहीं होगी, और अगर ये मेन लाइन पर है और इसे हमने ऑफ कर दिया तो ये आउटपुट इसकी ऑफ कर देगा। तो इससे ये होगा कि जैसे मेन लाइन भी चल रही है और जनरेटर भी हमारा चल रहा है, तो फिर हमारा स्विच ऑन होने की कंडीशन में मेन लाइन आने पर ये जनरेटर पर ही चलता रहेगा, और हम चाहे तो इसे अगर कनेक्शन चेंज करें तो फिर मेन लाइन आने पर हमारा वो मेन लाइन पर ही चलता रहेगा और जनरेटर हमारा लोड से फ्री हो जाएगा। तो हम जैसे चाहें वैसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो अब आपको इसके अंदर खोल कर बताते हैं कि इसके अंदर हमने क्या क्या पार्ट यूज किए हैं और उसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो देखते हैं ये वीडियो हमारा। ये कवर खोलने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। इसमें हमने जो पार्ट यूज किए हैं वो आप बताते हैं। पहले तो इसकी ये बॉडी है बॉक्सेस का, उसके बाद दो इंडिकेटर और दो कनेक्टर, एक ST4 एक ST2 और एक स्विच। स्विच ऑप्शन है, हम चाहे तो यूज करें चाहे तो यूज ना करें, वो तो हमने ऑप्शन दे रखा है। अगर हमें यूज नहीं करना, हम तो अगर स्विच यूज नहीं होता है, तो मैं आपको बता देते हैं फिर भी। और इसके बाद आता है हमारा एक ट्रांसफार्मर, ये 12012 ट्रांसफार्मर है, ये 750 mA का है। और एक रिले हमने यूज किया, ये 2CO रिले कराती है डबल पॉइंट की। तो हम चाहे तो इसमें सिंगल पॉइंट वाले भी यूज कर सकते हैं, बट अगर हम टू पॉइंट वाले यूज करेंगे 2CO, तो इससे हमारे न्यूट्रल और फेस दोनों ही कट होंगे, इससे न्यूट्रल फेस दोनों कट हो जाते हैं, तो फिर वो ज्यादा बेहतर रहता है। और इसके अलावा फिर हमने इसमें यूज किया है एक कैपेसिटर और एक डायोड,
रिले को सप्लाई देने के लिए। बाकी हमने इसमें वायर यूज किया है, 2.5 mm का वायर हमने यूज किया है इसमें, तो थोड़ा बहुत वायर यूज होगा, लगभग आधे मीटर के आसपास, आधे मीटर से एक मीटर के बीच में आप मान सकते हो। तो आपको इससे कनेक्शन हम डायग्राम के थ्रू बताते हैं, देखते रहिए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब के बराबर में जो घंटी का निशान है इसे भी दबा लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आसानी से मिलती रहे। ये देखिए, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर हो गया 12012, और ये हमारी रिले हो गई 25 एम्पियर 24 वोल्ट 2CO रिले है। तो फिर जो इसका कॉमन वाला पॉइंट होता है, यानी जो पोल होता है, तो दो पोल निकले होते हैं यहाँ से 2CO रिले में। तो यहाँ से हमारा ये देखिए वायर हमारा निकला, ये आउटपुट पर न्यूट्रल हो गया, और इधर वाले पॉइंट से इसका फेस हो गया आउटपुट का। और फिर इसके जो दूसरे NC वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, ये देखिए ये हमारा न्यूट्रल आ गया और ये हमारा फेस आ गया। इसे हम जनरेटर का भी बना सकते हैं और मेन लाइन के हिसाब से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा हमें सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। और फिर इसके अलावा ये इसके ऊपर वाले पॉइंट पर आ गए, लेके ये देखिए ये हमारा न्यूट्रल और ये हमारा फेस हो गया दूसरा। तो एक बात का हमें ध्यान रखना है, हमें आउटपुट और इनपुट के न्यूट्रल सब एक ही लाइन में रखने हैं, और फेस आउटपुट का और बाकी दोनों भी दोनों साइड के जो जनरेटर का या मेन लाइन का फेस है, ये भी हमें एक ही साइड पे ही रखने हैं, ताकि जब रिले ऑन ऑफ हो तो यहाँ से सिलेक्ट हो जाए। और यहीं से हम इंडिकेटर के वायर भी निकाल लेंगे, यानी अगर हमें इसे यहाँ पर मान लीजिए हमें जनरेटर बनाना है, तो यहाँ पर हम इंडिकेटर का एक कनेक्शन यहाँ पर कर देंगे, एक कनेक्शन यहाँ पर कर देंगे, यानी इंडिकेटर में न्यूट्रल फेस दोनों मिलता है। और इसी तरह से दूसरे इंडिकेटर पर भी हम कनेक्शन यहाँ से और यहाँ से कर देंगे, तो ये हमारा इंडिकेटर भी उस हिसाब से शो करेगा। अब बात करते हैं रिले की कॉइल पर कनेक्शन देने के। तो जैसे ये हमारा 12012 ट्रांसफार्मर है, अब पहले हम इसे कनेक्ट करेंगे रिले पर। इसे आमतौर पर हम नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट करते हैं, ताकि लाइट आने पर ये हमारा जनरेटर से बिल्कुल ऑफ हो जाए। अब ये कनेक्शन उठाकर हम नीचे वाले पॉइंट पर कर देंगे, यानी फेस और न्यूट्रल ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से जो 12012 की सप्लाई निकलेगी, तो वो कैसे कनेक्ट करेंगे बताते हैं आपको। ये देखिए इस तरीके से हम जो हमारा 12012 का ट्रांसफार्मर है, इसे हम मेन लाइन इस तरीके से लेकर कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए फेस और न्यूट्रल दोनों इसे मिल गए, फिर यहाँ से 24 वोल्ट की सप्लाई निकलना शुरू हो जाएगी, यानी 12012 ये 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, 24 वोल्ट की AC सप्लाई यहाँ से निकलना शुरू होगी। अब हम इसे रिले की कॉइल पर कनेक्ट करते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे देखते रहिए। ये देखिए कैपेसिटर हमने रिले कॉइल पर कनेक्ट कर दिया है, तो देखिए ये इसका नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब 12012 से हमारे जो वायर निकल कर आए हैं, तो हम बीच वाला वायर इसका यूज नहीं करेंगे, तो एक वायर हमारा ये माइनस पर जाएगा, यानी रिले कॉइल पर जो कैपेसिटर का माइनस है वहां पर जाएगा, और दूसरा डायोड पर जाएगा। और डायोड का पॉजिटिव और कैपेसिटर का पॉजिटिव हमने एक साथ मिलाकर रिले कॉइल पर कनेक्ट कर रखा है, तो होगा ये कि यहाँ से जो AC सप्लाई आएगी वो डायोड और कैपेसिटर के थ्रू DC सप्लाई बन जाएगी, और रिले कॉइल पर DC सप्लाई पहुंचेगी। और जो हमने इस पर कैपेसिटर यूज किया है, इसकी वैल्यू है 100 mFd 50 वोल्ट, यानी 100 mFd 50 वोल्ट कैपेसिटर है ये, और डायोड जो है ये 4007 इसकी वैल्यू है, आप ऐसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों ड्राइंग के लिए माफी चाहता हूँ, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि एक डायग्राम बना सकूँ आपके लिए, तो काफी हद तक आपको इससे समझ में आ जाएगा। बाकी कोशिश करूंगा आने वाली वीडियोस में डायग्राम ताकि अच्छे से बना सकूं। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।